वेलकम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल मैथ विद मुकुंद MWM में। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब इस वीडियो से हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, अध्याय 13 क्या है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस यानी कि ज्यामिति रचनाएं। तो यहाँ हम रचना करना सीखेंगे, ठीक है, किस चीज का, ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन यानी कि ज्यामिति का कुछ कंस्ट्रक्शन रचना करने सीखेंगे। उसमें से क्या मुख्यतः हम क्या क्या सीखेंगे, तो तीन टॉपिक होगा, ठीक है। तो देखो, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, तीनों को लिखते हैं सीक्वेंस वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट क्या होगा, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है। तो दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या दिया, देखो फर्स्ट हम किस, कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसे हिंदी में आप क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को समरूप त्रिभुज की रचना, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज की रचना, और हम समझेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। वैसे तो हम देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है, ये पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा होगा आपका अंतःवृत्त, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है, इन सर्कल, कंस्ट्रक्शन ऑफ इन सर्कल, ठीक है, अंतर्वृत्त की रचना। और दूसरा होगा सर्कम सर्कल, जिसे हम बोलते हैं परिवृत्त, ठीक है, परिवृत्त की रचना, क्लियर है। तो यहां पे मुख्यतः इस चैप्टर पर, इस अध्याय पर हम तीन टॉपिक सीखेंगे। और देखो, इस चैप्टर में हम फिर से पूरा हर एक प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें से 98% चांस है, ठीक है, इनफैक्ट 100% बोल सकता हूं, ठीक है, लेकिन 98% ही बोल रहा हूं, 100% नहीं जाते, ठीक है। तो 98% चांस है कि जो मैं आपको बताऊंगा उसी में से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि मेनली तीन चीज पूछा जाता है इस चैप्टर से, या तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और अंतर्वृत्त, या तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और परिवृत्त, ठीक है, या तो फर्स्ट और सेकंड को पूछा जाता है ऑप्शन में, ठीक है, ये या अथवा ये, या फिर ये अथवा ये, ऐसा पूछा जा सकता है, या कभी कभी ये अथवा ये भी पूछा जा सकता है। मतलब तीनों में से कोई दो तो कन्फर्म आता ही है, ठीक है, मतलब अथवा में आता है, दोनों ऑप्शन में आता है, और एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा, ठीक है, मिनिमम 4 से 5 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल देखेंगे, यानी कि समरूप त्रिभुज की रचना। देखो, समरूप त्रिभुज होता क्या है, सिमिलर ट्रायंगल हम पिछले चैप्टर में, पिछले अध्याय में देखे हुए हैं कि ऐसा दो ट्रायंगल जिसका रेशियो बराबर हो, रेशियो भले, देखो जैसे कि ये 3 है तो ये 6 हो, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ठीक है, जैसे कि ये दिया है ए बी सी पी क्यू आर, तो जैसे कि देखो इसका ए बी का करेस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू है ना, तो 3/6 जब करूंगा तो वही बी सी और क्यू आर का भी आना चाहिए, ठीक है, कट होने के बाद। जैसे कि इसका अगर 2 और ये 4 होगा तो ये हो जाएगा बी सी बट्टे क्यू आर करूंगा तो 2/4, है ना, यानी कि देखो 1/2 आ रहा है, मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, अनुपात है, वो बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना, समरूप त्रिभुज। तो इसका हम रचना करना सीखेंगे, क्लियर, पहला टॉपिक ये। दूसरा इन सर्कल यानी कि अंतर्वृत्त, नाम से ही समझ में आ रहा है, इन अंत यानी कि अंदर में सर्कल बनेगा, किसके, त्रिभुज के अंदर, यानी कि ये ट्रायंगल होगा सपोज ए बी सी, इसके तीनों कॉर्नर को टच करते हुए एक सर्कल बनेगा, और इस सर्कल को हम बोलेंगे अंतर्वृत्त, इन सर्कल। लास्ट टॉपिक है सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल परिवृत्त, जो ट्रायंगल के आउटसाइड बनेगा, तो ट्रायंगल जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसके आउटसाइड यानी कि इसके वर्टेक्स को टच करते हुए, इसके शीर्ष को टच करते हुए एक ट्रायंगल बनेगा, सॉरी सर्कल बनेगा, तो इस सर्कल को हम बोलेंगे परिवृत्त सर्कम सर्कल, क्लियर है। तो इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम मुख्यतः तीन टॉपिक सीखेंगे, पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज की रचना, ठीक है, दूसरा इन सर्कल, और तीसरा सर्कम सर्कल, क्लियर है। तो ये तीन टॉपिक में हम पढ़ेंगे, तो फिर आज इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम हमारा पहला टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स देखेंगे, और इसके बेस्ड, ठीक है, इससे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्लियर है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इस टॉपिक पर आते हैं। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।